सदस्यता अभियान चलाने के साथ ही किसान महापंचायत में हजारों लोगों के भाग लेने का लिया संकल्प। तेघड़ा से बोलता बिहार न्यूज मीडिया संवाददाता अशोक कुमार ठाकुर की खास रिपोर्ट। तेघड़ा बेगूसराय तेघड़ा प्रखंड अंतर्गत गौड़ा दो के पूर्व मुखिया अशोक सिंह के ग्राम फैक्ट्री के प्रांगण में किसानों की एक महत्वपूर्ण बैठक बरौनी एक के पूर्व मुखिया भोला सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जबकि संचालन किसान सभा के जिला सचिव दिनेश सिंह ने किया। उक्त बैठक में 5 सूत्री मांगों के समर्थन में किसान अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते दिखे। बैठक में किसान महासभा के लिए सदस्यता अभियान चलाने तथा बेगूसराय में किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया तथा बेगूसराय में निर्धारित महापंचायत में तेघड़ा से हजारों की संख्या में भाग लेने का संकल्प लिया गया। मौके पर बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि हमारी प्रमुख मांगों में बिहार में फसल बीमा लागू करने, किसानों के हरेक प्रकार का कर्जा माफ करने, 60 साल से ऊपर सभी महिला पुरुष किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था करने, सिंचाई की समुचित व्यवस्था करने, प्रत्येक प्रति लीटर दूध पर 10 रुपए, बिहार सरकार द्वारा सब्सिडी की व्यवस्था सहित अन्य मांगे शामिल है। बैठक में किसान नेता दिनेश सिंह ने कहा कि नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत एवं राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में बेगूसराय की धरती पर ऐतिहासिक किसान महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें हजारों किसान ट्रैक्टर लेकर कार्यक्रम में शामिल होंगे और किसानों की मुख्य समस्याओं के समाधान को लेकर बिहार सरकार को अल्टीमेटम दिया जाएगा। बैठक में प्रगतिशील किसान सुधीर राय, इनेलसी प्रतिनिधि विनोद कुमार मिश्रा, निपुनिया मधुरापुर के मुखिया चंद्रभूषण सिंह, गोरा दो के मुखिया पंकज पासवान, पूर्व मुखिया अशोक सिंह, कांग्रेस नेता सह प्रगतिशील किसान दीपक कुमार सिंह, सुनील कुमार राय, अमरेंद्र कुमार उर्फ करू, पैक्स अध्यक्ष अशोक महतो एवं मुरारी यादव, वार्ड पार्षद राम प्रवेश सिंह, चंद्रशेखर राय, बबलू राय, मिंटू कुमार, राम शंकर ठाकुर, जोगेंद्र पासवान सहित भारी संख्या में किसान बैठक में शामिल हुए। किसान के तमाम तरह के कर्जा को माफ करो। हमारे 60 साल से ऊपर जितने वृद्धा किसान हैं उनको पेंशन की व्यवस्था करो। हमको MSP जो कानून तुमने वापस लिया और उसमें कहा था कि हम किसानों का फसल का वाजिब दाम देंगे, हमको MSP लागू करें। और बची बात, हम वो एक भी मांग नहीं करते हैं, क्योंकि भारत में 8 स्टेट में पेंशन है दीपक जी, जहां 5,000 7,000 10,000 पेंशन देता है, तो बिहार की सरकार किसानों को पेंशन दे, ये हमारा नैतिक अधिकार है और हमको लेना चाहिए। हम ये चाह रहे हैं अभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहता है, खेती को समाप्त करना चाहता है, इसलिए खेती बचाओ, किसान बचाओ, बिहार बचाओ और कॉर्पोरेटों को भारत छोड़ो, जो अंग्रेज के समय में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा हिंदुस्तान गांधी के नेतृत्व में दिया था। हम चाहते हैं कॉर्पोरेट भारत छोड़ो की सदस्यता अभियान चलाकर गांव से लेकर इन कमेटी बनाना, अंचल कमेटी बनाना, जिला कमेटी बना, इसकी तैयारी में लगे हुए। ये पहला फेज, दूसरा फेज होगा हमारा। हम चाहेंगे जो कम से कम 10,000 ट्रैक्टर की व्यवस्था संपूर्ण बेगूसराय जिले में किसानों से मांगे, मांग कर उसकी पर किसानों को बैठा कर उसको हम महापंचायत की ओर ले चले। हम चाहेंगे बेगूसराय में 100-150 बस की भी व्यवस्था मैं करूंगा किसान सभा अपने तरफ से, और उस पर भी हम चाहेंगे 10-20,000 साथी को वहाँ भेज। हम मोटरसाइकिल वाले को प्रेरित करेंगे, हम जो फोर व्हीलर वाले साथी हैं उनको प्रेरित करेंगे, मिला जुला कर, इसलिए जो बेगूसराय जिला में बिहार किसान सभा 50,000 सदस्यता अभियान चलाना चाहता है, और हम चाहेंगे उस महापंचायत में 50,000 संख्या में किसान जुटे और बिहार सरकार को मैसेज दे और हम अपनी 5 सूत्री मांग को निश्चित तौर से बिहार सरकार से मनवाने का प्रयास करेंगे और बिहार का किसान आंदोलन का दिशा